पीलीभीत में अवैध खनन की सूचना पर एसडीएम सीओ ने पुलिस बल के साथ नाफपुर गांव में छापेमार कार्यवाही की। इस दौरान खनन कर रहे माफिया तो मौके से फरार हो गए, लेकिन टीम ने एक जेसीबी मशीन और दो ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया, जिन्हें सीज कर कोतवाली में खड़ा कराया गया है। साथ ही खगड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज की ओर से मामले में वाहन नंबरों के आधार पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से नागपुर गांव की तरफ मिट्टी का अवैध खनन चल रहा था। दिन ही नहीं रात में भी माफिया जेसीबी मशीन लगाकर खनन करने में जुटे रहते थे, जिसमें चौकी पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लग रहा था। इसी बीच शुक्रवार रात अवैध खनन की सूचना एसपी दिनेश कुमार को दी गई, जिसके बाद एसडीएम सदर योगेश गौर, सीओ सिटी सुनील दत्त, कोतवाल हरीशवर्धन सिंह ने पुलिस बल के साथ नाफपुर गांव में छापा मारा। लेकिन पुलिस टीम के पहुंचते ही खनन कर रहे लोग वाहन छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। हालांकि पुलिस ने पीछा करके उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे, जिसके बाद पुलिस ने मौके से एक जेसीबी मशीन, दो ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में ली और कोतवाली में खड़ी करा ली। सूचना मिली थी, हम सूचना पर मैं और एसडीएम सदर और खनन अधिकारी और थाने का फोर्स मिलकर देवा नदी के किनारे पहुंचे थे। वहां एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर से अवैध खनन हो रहा था और हम लोगों को पहुंचते ही वे लोग भाग गए थे मौके से, और मौके से जेसीबी और दोनों ट्रैक्टरों को लाकर थाने में दाखिल किया गया है और मुकदमा लिखा गया है। उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।